मजाक क्यों रहे हैं? शायद उनको पता चल गया कि आपने आज फिर नहीं नहाया। बारिश में झूलता छाता है, टोनी बॉस रोज नहीं नहाता है। टोनी का मुक्का, हुड़ हुड़ हुक्का। तेजी और जल्दी जल्दी किए काम को फटाफट कहते हैं। जो भीड़ को तीर की तरह चीर के आगे निकले उसे जासूस झटपट कहते हैं। वाह सर, क्या बात कही है। इसे भी नोटपैड में नोट कर देता हूँ और टोनी और 420 को ये भी बता देता हूँ कि भागो। टोनी बॉस भाग लो वरना आज आपका हुड़ हुड़ हुक्का हो जाएगा। वो देखो, सारे वेफर्स खाने के बाद अब मैं कम से कम अगले 2 घंटे तक कुछ नहीं खाऊंगा। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस तो नहीं कर सकता मगर ट्राई करूंगा। हाँ, R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, सिग्नल दूर से आ रहा है। लगता है सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। डेंजर का नाम सुनते ही मुझे फिर भूख लग गई। अब और खाना पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। स्पीडो जेट स्पीड के साथ नॉर्थ डायरेक्शन में चलो। यस ब्रो, लेट्स गो। टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड हियर वी गो। किबी, उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार। ओह नो, यहाँ तो किसी ने कार की हाहाकार मचा दी, पर ये सब किया किसने? वो देखो सुपर स्पीडो, जल्दी उसके पीछे चलो। ठीक है। गायब कैसे हो गया? ईश मम्मी, उस बड़े से उड़ने वाले हैमर ने सन सिटी की सारी गाड़ियों का कचूमर बना दिया, मेटल का कचरा बना दिया है उन्हें। टेम्पो अन्ना, क्या आप उन गाड़ियों को रिपेयर नहीं कर सकते? अयो किको, उस हैमर ने सब कार्स का पापड़ बना दिया जी। अभी उनका कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं।
ईश, अब हम सभी को नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। मम्मी, यानी सनसिटी में रहने वाले सभी लोगों को नई कार खरीदनी पड़ेगी। लंबी क्यों है यहाँ पर? पुरानी कार्स डिस्ट्रॉय होने के बाद नई कार्स की सेल्स में जो हुआ है उसे टू वर्ड्स में कहते हैं हाई डिमांड। पिछले चार दिनों में सनसिटी में जितनी कार्स बिकी हैं, इतनी तो एक साल में भी नहीं बिकी। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है पुरानी कार्स के टूटने में और नई कार्स के सेल्स में कोई कनेक्शन है। जरूर किसी की साजिश है। किसकी साजिश? शायद कार बनाने वाली कंपनीज की, क्योंकि अगर एक साथ इतनी पुरानी कार्स तोड़ी नहीं जाती तो इतनी सारी नई कार्स की सेल्स भी तो नहीं होती। वन वर्ड में तुमने जो कहा है वो है राइट। आयो किको, तुम इधर ही, जल्दी चलो, वो मेयर तुमको बुलाया, कुछ इमरजेंसी है जी। अंकल बताइए क्या इमरजेंसी है? ईश, अच्छा हुआ किको जो तुम आ गए। ये अचार की बोतल नहीं खुल रही, प्लीज इसे खोल दो। मुझे आम के अचार के साथ पराठे खाने का मन है। तो आपने मुझे यहाँ इस बोतल का ढक्कन खुलवाने के लिए बुलवाया था? ईश, नहीं नहीं, दरअसल वो जो नई गाड़ियों की सेल अचानक बढ़ गई है ना, उसके बारे में बात करने के लिए। हाँ, मुझे भी इस सब के पीछे कोई गड़बड़ लग रही है। मेयर अंकल, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी कार्स की सेल्स बढ़ाने के लिए किसी कार कंपनी के मालिक ने ही पुरानी कार्स को डिस्ट्रॉय करवाया हो? अरे नहीं नहीं, वो बेचारे तो खुद ही परेशान होकर यहाँ मदद मांगने आए है। वो वहाँ कोने में देखो। किको, ये देखो, हमें किसी ने ये चिट्ठी लिखी है, ये लो। दूसरों के लेटर्स पढ़ना बैड मैनर्स है। अंकल, आप अपनी चिट्ठी खुद पढ़िए। प्लीज किको, एक बार पढ़ लो, ये कोई पर्सनल चिट्ठी नहीं है, ये धमकी भरी चिट्ठी है। लोगों की नई कार्स की सेल धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है, इसीलिए मुझे मेरा कमीशन आज के आज ही मिल जाना चाहिए, वरना अब तक तो मैंने सिर्फ पुरानी कार्स तोड़ी है। अगर मैंने जितने पैसे मांगे उतने मुझे नहीं मिले तो मैं तुम सब लोगों की ब्रांड न्यू कार्स भी तोड़ दूंगा। उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार, हैमर मैन। किको, मैंने अभी रिसेंटली अपनी कार बनाने की कंपनी शुरू की है, अगर हैमर मैन ने मेरी नई कार्स तोड़ दी तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज हमारी मदद करो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि हैमर मैन ने जितने पैसे मांगे हैं वो हमें उसे दे देने चाहिए। नहीं अंकल, यूं कार्स डिस्ट्रॉय करके और फिर धमका कर पैसे हड़पना रॉन्ग है, और हमें इस रॉन्ग काम में हैमर मैन का साथ नहीं देना चाहिए। सही कहा किको ने, हमें हैमर मैन को पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन अगर हैमर मैन ने हमारी नई कार्स को तोड़ दिया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे तो अच्छा यही है कि हम उसके मांगे हुए पैसे उसे दे दें, कम से कम नुकसान तो कम होगा। आप लोग फिक्र मत कीजिए, किको और सुपर स्पीडो के रहते आप सभी की कार्स सेफ है, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। आप सभी अपनी नई कार्स सनसिटी के ग्राउंड में लाकर रख दीजिए, मैं और सुपर स्पीडो उनकी निगरानी करेंगे। ईश, किको, उन पांचों कार कंपनी के मालिकों ने अपनी सारी नई गाड़ियां यहां खड़ी कर दी हैं। प्लीज इन्हें डिस्ट्रॉय होने से बचा लेना, वरना सनसिटी में सभी को पैदल चलना पड़ेगा। डोंट वरी मेयर अंकल, किको और सुपर स्पीडो के रहते अगर उस हैमर मैन ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो हम उसकी बैंड बजा देंगे। वो देखो, अयो, वो उड़ता हथौड़ा फिर आ गया जी। सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 38। ओके बड़ी, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 38। हम्म,
मेरी इतनी पावरफुल मिसाइल्स का भी इस पे कोई असर नहीं हुआ। लगता है किसी सॉलिड चीज से बना है ये फ्लाइंग हैमर। मेरे हैमर का मुकाबला करना किको और सुपर स्पीडो के बस की बात नहीं। उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार। अगर हम इस हैमर को उड़ने से रोक सके तो शायद कोई बात बने। अच्छा तो कोई वहाँ से इस हैमर को कंट्रोल कर रहा है। एक बार सुपर स्पीडो ऑटो रिपेयर हो जाए फिर वहाँ जाके देखते हैं। मुझे सबसे पहले कीको और सुपर स्पीडो को रास्ते से हटाना होगा। जरा अपने फ्लाइंग हैमर के विंग्स की पावर को बूस्ट कर लूं, फिर बताता हूँ। उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार। जो इंसान इस हैमर को कंट्रोल कर रहा है वो सामने वाली टावर की टेरेस पर है। वहाँ जल्दी चलो। ओके। स्पीडो, वो रहा हैमरमैन जो अपने हाथ में पकड़े हैमर से उस फ्लाइंग हैमर को कंट्रोल कर रहा है। ये तो काफी लंबा चौड़ा आदमी है। उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार। चलो चल के उसे पकड़ते हैं। इतनी जोर की पड़ी है कि पूरा सिस्टम हिल गया है। हम जमीन से कभी भी टकरा सकते हैं। ऐसी हालत में सिर्फ एक ही फॉर्मूला हमें बचा सकता है। लगाओ फॉर्मूला नंबर ए। ओके। उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार। हैमर मैन ने तीन कंपनीज की सारी कार्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर दो कंपनीज की गाड़ियों को कुछ भी नहीं किया। अरे मेरी गाड़ियाँ सब की सब तोड़ दी। अब तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा। ईश, एक बात समझ में नहीं आ रही कि हैमर मैन ने पॉल और रौनक की कंपनीज की गाड़ियों के अलावा बाकी सभी की गाड़ियाँ तोड़ दी, पर भला क्यों? क्योंकि मैंने डर के मारे हैमर मैन के मांगे हुए सारे पैसे उस वक्त पहुंचा दिए थे। क्या आपने पैसे दे दिए? और पॉल अंकल, क्या आपने भी पैसे दे दिए? नहीं, मैंने नहीं दिए। भला मैं क्यों दूंगा पैसे? तो फिर हैमर मैन ने आपकी कंपनी की गाड़ियाँ क्यों नहीं तोड़ी? मुझे क्या पता, शायद मुझसे डर गया होगा। चलो अब हम चलते हैं। किको, मुझे लगता है हमें चुपके से इन पॉल अंकल के घर की तलाशी लेनी चाहिए।
सुपर स्पीडो, तुम यही रुको, मैं अंदर चेक करके आता हूँ। ठीक है। पॉल अंकल आ रहे हैं, मैं फटाफट तलाशी ले लेता हूँ। हाँ, इतना बड़ा मिरर, चेक करता हूँ। ये बटन कैसा है? यानी मेरा शक सही निकला, पॉल ही हैमरमैन है। सही कहा, उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार। जो किया है वो रॉन्ग है, मैं ये बात सबको बता के तुम्हारा राज खोल दूंगा। इतनी मक्कारी और प्लानिंग से मैंने अपनी कंपनी की कारों की सेल बढ़ाई है। और किको, तुम कह रहे हो कि तुम ये सब लोगों को बता दोगे? बिल्कुल नहीं, बताओगे तो तब ना, जब तुम मेरे हाथों से बचोगे। आज की कोर सुपर स्पीडो की खैर नहीं, अब बस देखते जाओ मैं तुम दोनों का क्या हाल करता हूँ। उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार। सुपर स्पीडो, लगाओ फॉर्मूला नंबर 20। ओके। किसी बाबुली डंडी की तरह तोड़ डाला, अब क्या करूं? सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 94। ग्रेट आइडिया बड़ी, आई थिंक ग्लू से फ्लाइंग हैमर को चिपका के उसे कुछ देर के लिए रोक ही सकता हूँ। उड़ते हथौड़े का वार, कार हो जाए बेकार। ओह नो, मेरा फ्लाइंग हैमर, अभी इसकी पावर बढ़ाता हूँ।
मुझे इस हैमर के फ्री होने से पहले ही वो रिमोट कंट्रोल वाला हैमर हैमर मैन के हाथों से अलग करना होगा और उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी ओ केक। मगर उस हैमर पे कौन सोता जी? असली हैमर मैन। ईश, ये तो असली हैमर मैन है। वैसे शक तो मुझे भी था। पूरी मूरी मदर, हैमर मैन को होश आ रहा है यहाँ पर। डोंट वरी डोडो, अब वो चाह कर भी उस फ्लाइंग हैमर से कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसका रिमोट कंट्रोल अब मेरे पास है। Oh no! मेरा फ्लाइंग हैमर! दीवार पे टंगी तस्वीर के पीछे लगी कील ने हैमर के सर पे इतनी जोर से मारा कि हैमर का हैमबर्गर बन गया। मतलब सर पहले में कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट। मगर एंड में हर रॉन्ग जाल बिछाने वाला खुद उसमें फंस जाता है।